स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इंग्लिश की वोकेबुलरी के 20 क्वेश्चन सही करवाने की जिम्मेदारी मैं ले रही हूँ। आप सब जानते हो और मैंने आपको बहुत पहले से ही बता रखा है कि एग्जाम के लास्ट टाइम पर वोकेबुलरी को पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि वोकेबुलरी हम पहले पढ़ लेंगे तो वो हम रिकॉल नहीं कर पाएंगे। करंट और वोकेबुलरी को एग्जाम टाइम पर ही पढ़ना होता है। वैसे हमने ग्रामर के सारे प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट लर्न विद रजनी पर मैं करवा चुकी हूँ। एक टॉपिक के दो दो बार प्रैक्टिस सेट आपको करवा दिए हैं। अब बारी है वोकेबुलरी की। क्यों वोकेबुलरी की मैं क्लासेज आपके लिए लेकर आ रही हूँ? इसलिए लेकर आ रही हूँ कि इंग्लिश वोकेबुलरी जो है वहाँ से आपके 20 प्रश्न आने हैं। 20 प्रश्न आने हैं, आप सोचो, और कितने टॉपिक में से आएंगे इस पर भी हम बात कर लेते हैं। ये 20 क्वेश्चन आपके आने हैं, कितने टॉपिक में से आएंगे? सिर्फ और सिर्फ तीन टॉपिक। कौन कौन से हैं? तीन टॉपिक ये हैं। ज्यादा मोटी हो गई पेंसिल। तीन टॉपिक ये हैं, एंटोनिम, सिनोनिम और ग्लोसरी। आप में से बहुत सारे बच्चे हाईकोर्ट एलडीसी के टाइम पर मुझसे पढ़ा था, ठीक है, मुझसे आपने बहुत सारी क्लासेस ली हैं और मैंने सारा सिलेबस कवर करवाया था इंग्लिश का। हाईकोर्ट एलडीसी के टाइम पर हमने संजीवनी बूटी के नाम से क्लासेस चलाई थी। लास्ट टाइम पर, लास्ट के जब 15 दिन रह गए थे, तब मैंने संजीवनी बूटी के नाम से क्लासेस चलाई थी सिर्फ और सिर्फ वोकैब के लिए। और आप बिलीव नहीं करोगे, हाईकोर्ट एलडीसी का पेपर देख लेना। और जो मैंने संजीवनी बूटी हाईकोर्ट एलडीसी के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, सिर्फ 10 क्लास करवा रखी हैं, उन 10 क्लासेस में से आप ये देख लेना कि उन 10 क्लासेस में से कितने क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। तो अब क्योंकि हमने इंग्लिश ग्रामर के प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं टॉपिक वाइज कंप्लीट, अब हम बारी करेंगे वोकेबुलरी। तीनों देखो, 7 प्रश्न सिनोनिम के, 7 प्रश्न एंटोनिम के और 8 प्रश्न ग्लोसरी के। ये तो ग्लोसरी के इंग्लिश में आएंगे और 5 से 7 प्रश्न ग्लोसरी के हिंदी में भी आएंगे। तो अब मैं आपके लिए संजीवनी बूटी क्लासेस लेकर आ रही हूँ। स्मृति के यूट्यूब चैनल पर, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्मृति कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपके लिए संजीवनी बूटी क्लासेस आ रही हैं। ओके, 20 क्वेश्चन आएंगे डेली के। मैं आपको 20 सिनोनिम करवाऊंगी, 20 एंटोनिम करवाऊंगी और 20 ग्लोसरी करवाऊंगी। लास्ट टाइम पर ये जो भी क्लासेस होती हैं ना, लास्ट टाइम वाली, वो रामबाण होती हैं। तो आप सब जब आपका एग्जाम हो, आपका पेपर आए, तब उसके बाद आप मैच कर लेना कि कितने क्वेश्चन संजीवनी बूटी से आए हैं। फिर भी अगर आपको यकीन नहीं है, हाईकोर्ट एलडीसी की संजीवनी बूटी क्लासेस जाकर देख लेना। बहुत सारे बच्चे काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे, काफ़ी कमेंट्स कर रहे थे वोकेबुलरी की क्लासेस के लिए। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि संजीवनी बूटी क्लासेस हम हाईकोर्ट एलडीसी में लेकर आए थे, वोकेबुलरी की वही हम रिपीट करेंगे आरएसएसबी स्टेनो में। ओके, इसमें क्योंकि वोकैब के तीन टॉपिक हैं, तो एंटोनिम, सिनोनिम और ग्लोसरी। छोटी छोटी हमारी क्लासेस होंगी जो कि स्मृति के यूट्यूब चैनल पर होंगी। स्मृति के यूट्यूब चैनल को आप आज ही सब्सक्राइब कर लें, डेली हमारी क्लासेस आएंगी संजीवनी बूटी की। ओके, आपको मिस नहीं करना है। और हमारी जो टेस्ट सीरीज है, स्मृति की जो टेस्ट सीरीज है, वहाँ आपको प्रोमो कोड लगाना है स्मृति, कैपिटल में स्मृति लिखना है। इससे आपको फी में 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। लास्ट टाइम पर आप टॉपिक वाइज निकालिए, फुल लेंथ टेस्ट निकालिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो ये आपके 20 प्रश्न पक्के करने की जिम्मेदारी मैंने ली है। 7 सिनोनिम, 7 एंटोनिम और 8 ग्लोसरी। हो सकता है इस बार इनकी जो काउंटिंग है वो चेंज हो जाए, 7 की बजाय 8-8 आ जाएँ, 6-6 आ जाएँ, क्योंकि एग्जामिनर का हमें पता नहीं होता। लेकिन हम हमारी जो तैयारी है वो पहले के पेपर्स के हिसाब से ही कंप्लीट करके रखेंगे। अगर 8-9 भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम हमारी प्रिपरेशन ही ऐसी रखेंगे कि कहीं से कुछ भी दे एग्जामिनर, हम पूरी तरह से प्रिपेयर हैं।
तो ये एक अनाउंसमेंट था आप सबके लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप इन संजीवनी बूटी क्लासेस को उतना ही प्यार देंगे जितना आपने हाईकोर्ट एलडीसी की संजीवनी बूटी को प्यार दिया था। और मैं ये भी पूरी मुझे उम्मीद है कि हाईकोर्ट एलडीसी में संजीवनी बूटी क्लासेस से जो यूट्यूब वॉकेबुलरी आई थी वही वॉकेबुलरी आपके एग्जाम में भी आने वाली है इन क्लासेस से। तो आप संजीवनी बूटी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप स्मृति कोचिंग क्लासेस या लर्न विद रजनी पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।